भारत के खिलाफ हाफिज सईद की खतरनाक साजिश का खुलासा, दिल्ली समेत बड़े शहर निशाने पर। जनवरी में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के दौरे के वक्त हिंदुस्तान को दहलाने की साजिश, खुफिया एजेंसी को आतंकियों की बातचीत से लगी भनक। सूत्रों के मुताबिक साजिश को अंजाम देने के लिए हाफिज सईद ने लश्कर के खूंखार आतंकियों का मॉड्यूल तैयार किया, आईएसआई से भी मिली मदद। लश्कर के मॉड्यूल को कराची में पनाह लिए इंडियन मुजाहिदीन के आतंकवादी भी कर रहे मदद, खुफिया रिपोर्ट से खुलासा। राजधानी दिल्ली के होटल आतंकवादियों के निशाने पर, होटल मालिकों से सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश। खुफिया रिपोर्ट के बाद गृह मंत्रालय ने जारी किया निर्देश, दिल्ली मुंबई के बड़े होटलों को सतर्कता बरतने के निर्देश। मुंबई और दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को शहर के 5 सितारा होटलों की सुरक्षा पर निगरानी रखने का निर्देश। गृह मंत्रालय का निर्देश, प्रमुख शहरों के बड़े मॉल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर 31 जनवरी तक कड़ी चौकसी बरती जाए। आतंकी हमले के खतरे को देखते हुए स्कूलों में बढ़ाई गई सुरक्षा, सरहद पर भी चौकसी। पाकिस्तान में आतंकवाद के खिलाफ जंग शुरू, कराची में अलग अलग जगहों पर मुठभेड़ में मारे गए 5 आतंकवादी। आतंकवाद के खिलाफ आखिरी जंग छेड़ेगा पाकिस्तान, सर्वदलीय बैठक में हुआ फैसला। पेशावर में सर्वदलीय बैठक के बाद बोले नवाज शरीफ, कहा आखिरी आतंकी के खात्मे तक जारी रहेगी जंग। इस जंग को उस वक्त तक जारी रखेंगे जब तक हमारी सरजमीन पर एक भी दहशतगर्द बाकी है। नवाज शरीफ ने पेशावर में आतंकी हमले को बताया कायराना हरकत, कहा कोई अच्छा या बुरा तालिबान नहीं होता। पेशावर हमले के बाद पाकिस्तान ने फांसी पर से हटाई रोक, आज आतंक के गुनहगारों को होगी फांसी। सियासी जमातों के नुमाइंदों पर मुश्तमिल एक कमेटी वजीर दाखिला चौधरी निसार अली खान की क्यादत में 7 दिन के अंदर अंदर नेशनल प्लान ऑफ एक्शन तैयार करे। आतंक फैलाने के आरोप में पाक जेलों में बंद है करीब 1000 अपराधी। आतंकवाद के खिलाफ जंग में शरीफ के साथ इमरान खान, इस्लामाबाद में धरने का कार्यक्रम स्थगित किया। एक नेशनल प्लान जो सब ओन करेंगे, हम सब जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है उसको ओन करेंगी, फौज उसका हिस्सा होगी, सारा मुल्क मिलके फैसला अजम करेगा कि हमने इसको शिकस्त दी नहीं। पेशावर में हुए आतंकी हमले में मरने वालों की संख्या 148 पहुंची, आज अस्पताल में 7 और लोगों ने तोड़ा दम। हमले में घायल कई बच्चों का अस्पताल में चल रहा है इलाज, बच्चों से खौफनाक कहानी सुनकर कांप जाते हैं माता पिता। मासूमों के खून से खेलने वाले खौफनाक आतंकियों की सामने आई तस्वीर, तहरीके तालिबान ने जारी की सभी की तस्वीरें। तहरीके तालिबान ने किया दावा, इन्हीं आतंकियों ने मंगलवार को पेशावर में आर्मी स्कूल पर बोला था हमला। तहरीके तालिबान ने एक बार फिर कहा हमने आर्मी स्कूल पर हमला कर पाक फौज से लिया बदला। तालिबान के हमले में मारे गए बच्चों को श्रद्धांजलि देने का सिलसिला जारी, कराची में निकाला गया कैंडल मार्च। गम में डूबी विश्व कप कबड्डी खेलने अमृतसर आई पाक टीम, पेशावर के आर्मी स्कूल में मारे गए बच्चों को दी श्रद्धांजलि। पुणे में पुलिस पब्लिक स्कूल के बच्चों ने निकाला कैंडल मार्च, पेशावर के स्कूली बच्चों को दी श्रद्धांजलि। पेशावर की वारदात पर लुधियाना में निकाला गया सर्वधर्म मोमबत्ती मार्च, आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होने का संकल्प। तालिबानी हमले में मारे गए बच्चों की याद में धर्मशाला में विशेष प्रार्थना कैंडल मार्च भी निकाला। जीएसटी बिल के लिए जरूरी संविधान संशोधन बिल को कैबिनेट की मंजूरी, बिल को सदन में पेश करने का रास्ता साफ।
कानून बनने के लिए अभी भी है लंबा रास्ता। संविधान संशोधन बिल को संसद की मंजूरी और कम से कम आधे राज्यों की लेनी होगी रजामंदी। आर्थिक सुधारों की दिशा में और टैक्स प्रणाली को सरल बनाने की दिशा में बड़ा कदम। अलग अलग टैक्स के बजाय सिर्फ केंद्र लगाएगा टैक्स। राज्यों के विरोध के बावजूद जीएसटी के दायरे में पेट्रोलियम प्रोडक्ट, लेकिन 3 साल तक टैक्स लगाने का हक राज्यों के पास। ललित नारायण मिश्र हत्याकांड में आज सुनवाई जाएगी सजा। 4 मुजरिमों को सजा, करीब 40 साल बाद हुआ केस का फैसला। शिवसेना विधायक हर्षवर्धन यादव की बदतमीजी, पुलिस अफसर पर तमाशा मारने का आरोप। शिवसेना सुप्रीमो उद्धव ठाकरे की सुरक्षा में तैनात थे पराग यादव, घटना के वक्त होटल के एक कमरे में मीटिंग कर रहे थे उद्धव। पराग यादव का आरोप, कमरे में जबरन घुसने से रोकने पर विधायक ने जड़ा थप्पड़, सोनेगांव थाने में केस दर्ज। महाराष्ट्र में केंद्रीय टीम ने 14 जिलों में लिया सूखे का जायजा, मुख्यमंत्री ने की राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की अपील। फडणवीस का बयान, जांच कमेटी ने माना कि इस साल 2012 के मुकाबले स्थिति दोगुनी खराब, करीब 25,000 गांव प्रभावित। झारखंड और जम्मू कश्मीर में आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन, कल गोड्डा और दुमका की रैली में राहुल गांधी ने साधा बीजेपी पर निशाना। अच्छे दिन आएंगे, किसके लिए अच्छे दिन आएंगे आप उनसे पूछिए, आदिवासियों के लिए नहीं, किसान के लिए नहीं, मजदूर के लिए नहीं, इन महिलाओं के लिए नहीं, 4-5 दिन इस लाइन के लिए अच्छे दिन आएंगे। बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन की गोड्डा में बड़ी रैली, कहा मोदी राज आते ही आया सस्ते का जमाना। बीजेपी आ गए, डीजल सस्ता, पेट्रोल सस्ता, ब्याज भी सस्ता हो गया। ब्याज हुआ ना, खाली बिरयानी बनाते हैं तो ब्याज सस्ता हुआ कि नहीं। केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने जम्मू में की चुनावी रैली, विरासत की राजनीति को खत्म करने का किया आह्वान। शारदा घोटाले में घिरी ममता ने बीजेपी सरकार पर तेज किया हमला, कहा संसद में हमारे सांसदों का विरोध जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट का खिलाफ में एक्शन करने के लिए कुछ किया तो नहीं, उपरम उनको तो अरेस्ट नहीं किया है। मैंने सुना एक आरटीआई को, आरटीए में जो एक रिप्लाई लिया तो पूछा है सीबीआई को आप क्यों अरेस्ट नहीं किया, तो बोलता है कोऑपरेशन कर रहे हैं, तो हमारा क्या मिनिस्टर नॉन कोऑपरेशन कर रहे हैं। दिल्ली पहुंची ममता ने कहा मैं राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मिलकर उनकी सेहत का हाल जानने आई थी, लेकिन नहीं हुई मुलाकात। बिहार के सीएम जीतन राम मांझी ने भरी सभा में लगाई कला संस्कृति मंत्री विनय बिहारी को फटकार, कहा कलाकार होने का मतलब ये नहीं कि कुछ भी बोलते रहे। पटना में एक समारोह में मंत्री विनय बिहारी ने कहा था सिर्फ फोटो खिंचवाने और फीता काटने के लिए मुझे मंत्री बनाया, इसी बयान पर नाराज हुए मांझी। मध्य प्रदेश सरकार ने पेट्रोल डीजल पर 4% बढ़ाया वैट, सिगरेट पर वैट दरों में 14% की कमी। सिगरेट पर वैट कम करने पर एमपी के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की सफाई, कहा हम सिगरेट नहीं पीते, कभी कभी भांग खा लेते हैं। मधु नहीं खाते हैं हम, सिगरेट नहीं पीते, हमने जिंदगी में कभी बियर नहीं पी, कभी कभी थोड़ी सी भांग खा लेते हैं। पश्चिम बंगाल के ईस्ट मिदनापुर में टीएमसी छात्र संगठन के 2 गुटों के बीच झड़प, कम से कम 6 छात्र जख्मी। वर्चस्व की लड़ाई को लेकर आपस में भिड़े छात्र, जमकर चली लाठियां, किसी की भी गिरफ्तारी नहीं। मध्य प्रदेश सरकार ने किया नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी का सम्मान, राज्य अतिथि का मिला दर्जा, विदिशा में सत्यार्थी के नाम पर स्कूल। पेशावर की आतंकी घटना का जिक्र छिड़ने पर रो पड़े मध्य प्रदेश के राज्यपाल राम नरेश यादव, सत्यार्थी के सम्मान में था कार्यक्रम।
क्या कहूं मैं, कभी कभी रालेगांव सिद्धी में अन्ना हजारे ने पाकिस्तान में हुए हमले की निंदा करते हुए कहा कि आतंकवाद के खिलाफ एकजुट हों सभी देश। रायपुर के साहित्य उत्सव में पेशावर के स्कूल में मारे गए बच्चों को दी गई श्रद्धांजलि, साहित्यकारों ने कहा तालिबान ने दिखाई कायरता। मुंबई के भांडुप इलाके में बीती रात एक बार में ग्राहक ने मैनेजर को मारी गोली, शराब परोसने को लेकर हुई कहासुनी पर चली गोली, घायल मैनेजर अस्पताल में भर्ती। गोली मारने के बाद ग्राहक फरार, पुलिस के मुताबिक आरोपी हमलावर पहले भी हत्या के आरोप में काट चुका है सजा, पुलिस को उसकी तलाश। दिल्ली के नरेला इलाके में महिला की गोली मारकर हत्या, रिश्तेदार ने मारी गोली, महिला एक रेप के मामले में थी गवाह। मुजफ्फरनगर में 10वीं की छात्रा के साथ गैंगरेप का सनसनीखेज मामला, रेप के बाद आरोपियों ने बनाया वीडियो। गांव के ही 3 लड़कों ने किया रेप, पुलिस कर रही कार्रवाई में आनाकानी, इंसाफ के लिए पीड़ित परिवार खा रहा दर दर की ठोकरें। हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी से जनजीवन अस्त व्यस्त, शिमला, कुफरी, रोहतांग, मनाली, कुल्लू में ज्यादातर सड़कें जाम, लोग फंसे। बर्फबारी से सैकड़ों गांवों में बिजली आपूर्ति ठप, कई गांवों में पानी की पाइपलाइन जमने के कारण पेयजल की समस्या। दिल्ली में CII ने किया इंडिया हेल्थ समिट, स्वास्थ्य के क्षेत्र में पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी पर जोर। दिल्ली के लाजपत नगर में बाग बकरी चाय लाउंज का उद्घाटन, लोगों ने किया सुगंधित चाय का लिया मजा। बाग बकरी रिश्ते बनाता है, मतलब कि अच्छी चाय के ऊपर यदि आप बैठते हो तो आपकी डिफरेंसेस वो कप में डिसॉल्व हो जाते हैं, रिजॉल्व हो जाते हैं और आप मित्र बन के आगे बढ़ते हो जीवन में। मारते मुक्केबाज सरिता देवी पर लगा 1 साल का प्रतिबंध, पाबंदी के साथ 1,000 स्विस फ्रैंक का जुर्माना भी, 2016 के रियो ओलंपिक में ले सकेंगे हिस्सा। पूरा देश ने मुझे सपोर्ट किया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूँगी। अभी मेरा पास अभी मैं ओलंपिक खेलने के लिए मौका मिल रहा है, मैं पूरी तरह तैयारी करूँगी और अपना देश का नाम रोशन करना चाहती हूँ। पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने सरिता देवी की पाबंदी पर कहा एक गलती की सजा जीवन भर ठीक नहीं, सचिन ने लिखी थी खेल मंत्री को चिट्ठी। मैंने लेटर लिखे थे और मैंने उनके साथ मीटिंग भी ली, तो वो ज़रूर इस चीज़ को उसकी दाद लेंगे और जो बेस्ट रिजल्ट सरिता देवी के लिए हो सकता है और भारत के लिए हो सकता है उसकी कोशिश करेंगे। भारतीय हॉकी संघ ने शुरू की ऑनलाइन हॉकी एकेडमी, बच्चे अब कंप्यूटर पर सीख सकेंगे हॉकी के गुर।